في محفل من محافل
وفيهم من شيعتنا ومهمين إلا من نزلت عليهم الرحمة وأفرت بهم الملائكة واستغفرت لهم الآية تفرقوا فقال يا أيها ليس لهم زم الله فضنا وقال شيعتنا رب الكعبة فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا أيها الذي بأسن بالحق نبي واستفعون بالرسالة نجي أمامك رقبتنا وعزا في نعسين مهم في ذال الأرض وفي جمع من شيئتنا ومهبين وفي مهمون الله وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا أتاه لبهاجة إلا وتزل الله حاجته فقال لنا عليه السلام دم الله فتنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. Allah.
हुआ हर उसके माँ में पाक एक
हसन के बुलाओ हुसैन को, ये हुक्म के लाओ हुसैन को, अरे भाई वसीयत का वक्त आए हुसैन, इतने में बात चश्मे आश्क बात चिल्लाते थे के आपके गुर्बत के मैं निसार, अरे शब्बर गले को चोके कहते थे बार बार, मैं तुम्हे सख ऐ मेरे नाम मोहम्मद आले मोहम्मद सलवात बराए खुशनूदी इमाम ज़माना अलैहि सलाम बुलंदतर सलवात القائلين وقوله الحق
وقل تعالوا أبنانا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم صلوات الله फरमाते हैं बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ने से दिलों से कीना और निफाक दोनों दूर हो इससे बुलंद और बेहतर सलावात पढ़िए ताकि पता चले आप क्या हो पहले शहदा का सिलसिला है शहादत है नूर अनवर सिमत अकबर इमाम हसन मुस्तफा मुनाकद है मैंने आपके सामने जिस आया वाफी आया को सरनामे सुखन में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया उसके तर्जुमे और मतालिब को आपके हवाले करने से पहले ही याद दिला दूँ कि जिन फासलों से आप तशरीफ़ फरमाए अली वालों के दरमियान इतने फासले अच्छे नहीं होते थोड़ी थोड़ी सी ज़हमत फरमाते थोड़ा सा करीब आ जाएंगे तो शायद ये पता चलता रहे कि मैं जिसे अदा मुनक़द है एक सलावात पढ़ी आ रहा हूँ इस आया वाफी हिदाया को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया यकीनन कुरान के ये जुमले कुरान के ये अल्फाज किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पस मंजर में जुमले में नौजवान दोस्तों के लिए ये अर्ज कर दूँ कि नजरान के ईसाई नबी की महफिल में आए और इस बात पे बहस की कि ईसा खुदा के बेटे हैं थोड़ा थोड़ा सा बोलते रहेंगे तो मुझे तनाई का एहसास नहीं होगा इस बात पे बहस की कि ईसा खुदा के बेटे हैं पै दर पै 40 या 45 आयतें सूरह मुबारक ज़ुख़रुफ़ की आई लेकिन जब कुरान की दलीलों से नसारा न माने